हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम पनीर कचौरियाँ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हमारी पनीर कचौरियाँ कितनी खस्ता बनी हैं, इसी तरह से हम पनीर कचौरियाँ बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ सामग्री ली है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने आधा कप इसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन, पनीर, हरी मिर्ची, कुटा हुआ साबुत धनिया, भिगी हुई मूंग दाल, नींबू का रस, धनिया। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा डालते हुए हम हमारे बेसन को धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, आप बेसन भूनते समय बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना, इसको धीमी धीमी गैस पर ही भूनना है, नहीं तो हमारी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। बेसन को मैंने डाल दिया है, अब हम मैंने गैस को मीडियम ही रखा है और हम इसे चलाते हुए इसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। हमारा बेसन बन चुका है, अब मैं इसमें हमारा कुटा हुआ साबुत धनिया डालूंगी और मैं इसको 1-2 बार और चला लूंगी। बेसन में मैंने धनिया डाल के भून लिया है। अब हम इसमें हमारी भिगोई हुई मूंग दाल थी वो डालेंगे। मूंग दाल को डालने के बाद में हम इसे 1-2 मिनट के लिए और भुनेंगे, जिससे हमारी मूंग दाल अच्छी तरह से पक जाए। मूंग दाल को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हरी मिर्ची डालते हुए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, ये सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे हमारी मूंग दाल जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे 1-2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हमारी दाल जो थी वो भिगोई हुई थी, इसलिए जल्दी ही पक जाएगी। मैंने ढक्कन लगा दिया है, अब हमारी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें ढक्कन हटाकर देखते हैं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के हम इसे 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे, जिससे हमारे फिलिंग्स में और मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से और खुशबू इसमें आ जाए। अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, पनीर को भी हम 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। 1-2 मिनट के लिए भूनने के बाद में अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। फ्रेंड्स, नींबू का रस आधे नींबू का रस ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी फिलिंग्स जो है वो खट्टी हो जाएगी।
अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब फिलिंग्स हमारी बन चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैंने ऊपर से सेंधा नमक भी डाला है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब मैंने एक कटोरी मैदा ली है और इसमें मैं थोड़ी सी सूजी डालूंगी। फ्रेंड्स, सूजी ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी ही डालनी है। इससे हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक, और इसके साथ ही मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम, थोड़ा सा मैं मीठा सोडा भी डालूंगी। फ्रेंड्स, हलवाई जब भी कचौरियाँ बनाते हैं इसमें मीठा सोडा भी डालते हैं, जिससे भी उनकी कचौरियाँ इतनी खस्ता बनती हैं। मीठा सोडा मैंने डाल दिया है। अब हम इसे फिर मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा, अब मैं इसमें मोइन के लिए तेल भी डालूंगी। तेल मैंने डाल दिया है, ये मैंने धारा का तेल लिया है। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई तलने की चीज़ें बनाती हूँ तो मैं धारा का तेल ही उपयोग में लेती हूँ, क्योंकि ये तेल बहुत अच्छा आता है और इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और हम इसका आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसका आटा न तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इसका आटा इस तरह से लगाना कि आपकी उंगली इसमें चली जाए। आटा मैंने लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा अब हम इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारी इसमें सूजी जो है वो फूल जाए। आटे को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। अब हम इसे एक बार और मसलेंगे, और मसलने के बाद में मैं इसमें से एक लोई लूँगी। एक लोई लेके मैं इसे गोल गोल घुमाते हुए कटोरी की शेप दूंगी। कटोरी की शेप देते हुए, अंगूठे की सहायता से मैं कटोरी की शेप देते हुए हम हमारी फिलिंग्स भरेंगे। और फिलिंग्स भरते हुए और एक के ऊपर एक प्लेट देते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक के ऊपर एक प्लेट देते हुए और मैंने इस सारी कचौरी को बंद कर दिया है। अब हम इसे अंगूठे की सहायता से और बंद करेंगे, और मैंने हथेली की सहायता से इसे प्रेस किया है। फ्रेंड्स, आप इसे उंगलियों की सहायता से बिल्कुल भी मत दबाना, नहीं तो आपकी कचौरियाँ नहीं फूलेंगी। जैसे मैंने दिखाया है आपको हथेली की सहायता से इसे प्रेस करना। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी बन चुकी है। अब मैं आपको एक कचौरी और बनाकर दिखाती हूँ। अंगूठे की सहायता से इसे कटोरी की शेप देनी है और इसमें हमारी फिलिंग्स भरनी है, और फिर हथेली की सहायता से इसे प्रेस करना है। यदि कचौरियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक तरफ से हमारी कचौरी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लूंगी। हमारी कचौरियाँ दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियों का कलर कितना अच्छा आया है। ये जितनी दिखने में अच्छी है उतने ही खाने में भी स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें मूंग दाल और पनीर दोनों हैं। इसी तरह से मैं मेरी बाकी की कचौरियाँ भी और फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मुझे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारी
दूसरी कटोरियाँ भी बन चुकी हैं। अब मैं इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी कितनी कुरकुरी बनी है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये अंदर से इतनी सॉफ्ट है। अब मैं आपको एक और तोड़ के बताती हूँ। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखाया है वैसे ही आपकी कचौरी बनेगी। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।